हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ज्योमेट्री क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। इससे पहले आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पहली एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस किया था। हमने सेकेंड एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस किया। आज हम थर्ड एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, जिसमें हम स्लोप और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आपने नाम से सुना है कि स्लोप की बात करेंगे, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम स्लोप कहते किसे हैं। ज्योमेट्री में जब अगर हमें स्लोप निकालना हो या स्लोप बताना हो कि मैथमेटिकली हम स्लोप बताएंगे कैसे, तो स्लोप को बताने के लिए एक यूजुअली मैं यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमारे होते हैं वो ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारा एक्स एक्सिस होता है और दूसरा हमारा होता है वाई एक्सिस। सो मैथमेटिकली अगर आपको कोई कहे कि आप स्लोप बताओ, तो स्लोप आप कैसे बताएंगे? स्लोप बेसिकली एक ऐसी लाइन होगी जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल को बनाएगी। सबसे सिंपल डेफिनेशन दे रहा हूँ, इस साइड बननी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का साइड कौन सा? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस का साइड है। आपको कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ऐसा पार्ट जहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक लाइन जिसके साथ मतलब कोई एंगल बना, एंगल कब बनेगा? जब इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल बनेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। स्लोप का जो नोटेशन होता है, वो स्लोप का नोटेशन जो होता है वो m होता है। और स्लोप को बेसिकली जब हम यहाँ से डिफाइन करने आएंगे तो वो होता है tan थीटा। यानी कि बेसिकली मैं बोल सकता हूँ स्लोप इज m, m क्या होता है? tan थीटा होता है। तो इस तरह से आपके पास स्लोप के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला आ गया, जिससे आप स्लोप को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक इंक्लिनेशन बनेगा, जिसको हम कोई भी एक एंगल बनेगा जिसको हम थीटा से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर हम उसे टेन थीटा से जब कैलकुलेट कर लेंगे, टेन थीटा आपको पता तो होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है क्लास 9 में आपने, तो जब हम उसको टेन थीटा से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। तो ये स्लोप का सिर्फ एक फार्मूला नहीं है, हमें क्लास 10 में स्लोप के दो फार्मूले से डील करना है। तो यहाँ पर अगर एक ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पर आपको एक एंगल दिया हो और स्लोप निकालने बोले, तो ये फार्मूला आपके लिए बन जाता है। बट एक दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है जहाँ पर आपको उस लाइन सेगमेंट पर पॉइंट दिए हुए, सपोज करो उस लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स पर कट हो रहा है। सपोज करो एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, सपोज करो एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है उस पर x2, y2। ठीक है, अब यहाँ पर इस लाइन का स्लोप निकालना है, बट आपको कोई इंक्लिनेशन या एंगल नहीं दिया हुआ, बट आपको ये दिया है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दो पॉइंट्स पर वो कहाँ पर कट हो रहा है। तो अगर वो अगर आपको दिया हुआ हो तब भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। तो इस तरह से आपको स्लोप निकालने के दो फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो स्लोप निकालने का पहला फॉर्मूला है जहां पर आपको एंगल दिया होगा तब आप निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने का आपके पास दूसरा फार्मूला है जिसमें आपके पास पॉइंट दिया होगा लाइन सेगमेंट पर, यहाँ पर और यहाँ पर, उससे भी आप क्या कर सकते हैं? स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो फार्मूले हो गए जिससे आप क्या कर सकते हैं? स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, एक्सरसाइज में आगे बढ़ने से पहले इसको पहले नोट डाउन कर लो। अब जाएंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कुछ रिजल्ट आपको याद रखने हैं स्लोप के लिए। तो अगर केस आए हमारे पास किसी लाइन को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, ठीक है, मैं पहले एक्सरसाइज में बता रहा हूँ, अगर आपको एक्सरसाइज में आए एक लाइन जो है उसमें जो पॉइंट्स है उसमें आपको पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोलिनियर का मतलब ये होता है जब सारे पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर कहते हैं। तो अगर एक लाइन है जिसके अंदर पॉइंट्स आ रहा है ए, यहाँ पर पॉइंट है बी और यहाँ पर पॉइंट है सी, और इसका कुछ इंक्लिनेशन है, इसका कोई स्लोप होगा, ठीक है, हाँ, अब मेरे को ये बताओ इस पॉइंट पे चाहे 1000 पॉइंट आए, चाहे 3 पॉइंट आए, चाहे 10 पॉइंट आए, अगर एक लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे तो वो उसी इंक्लिनेशन पर होंगे, सबका इंक्लिनेशन क्या होगा? सेम ही होगा। तो इस तरह से इसका बताने का मतलब ये है, अगर मैं स्लोप निकालू ए बी का और स्लोप निकालू मैं बी सी का, तो ये दोनों सेम अगर है तो यानी कि वो एक ही लाइन पर आ रहे हैं। कॉमन सी बात है ना, समझ रहे हो ना? एक लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके स्लोप हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर आपको एक्सरसाइज में ये आए कि इसको कोलिनियर प्रूफ करना है, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए बेसिकली आपको दो दो पॉइंट्स के क्या करने पड़ेंगे? स्लोप को निकालना पड़ेगा, ठीक है।
ये हो गया। दूसरी बात स्लोप से रिलेटेड है, पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। एक रिजल्ट आपको याद रखना है, टेक्स्टबुक में प्रूव्ड है रिजल्ट, एग्जाम में पूछता नहीं है इसीलिए उसका प्रूफ बता नहीं रहा हूँ। पैरेलल लाइंस के बारे में एक बात याद रखो, पैरेलल लाइंस के बारे में आपको बात ये याद रखनी है, अगर दो पैरेलल लाइंस होगी तो वो दो पैरेलल लाइंस के स्लोप जो होंगे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, हमेशा याद रखो। तो दो अगर पैरेलल लाइंस है तो दो पैरेलल लाइन के स्लोप हमेशा क्या मिलेंगे आपको, इक्वल मिलेंगे। यानी कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आपके पास एक पैरेललोग्राम है और आपको प्रूफ करना है स्लोप वाले फॉर्मूले से कि बताओ कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तो इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल आएगा, इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो इस तरह से आप वहाँ पर स्लोप वाले कंसेप्ट से पैरेललोग्राम को, पैरेललोग्राम क्यों है वो प्रूफ कर सकते हो। सिंपल समझ में आया, अगर ये इतना पार्ट आपको समझ गया है तो पहले इसको नोट डाउन कर लो। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। फिर ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज नंबर 5.3 का पहला क्वेश्चन ये है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। आपको क्या दिया है, एंगल दिया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, जहाँ पर ये एंगल बन रहा है वो दिया है। आपको इसका स्लोप फाइंड आउट करना है कि इनका स्लोप क्या होगा। ठीक है, तो 5.3 में एक्सरसाइज नंबर 5.3 है, तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 में पहला प्रॉब्लम है जिसके अंदर आपको तीन एंगल दिए हैं। पहले वाले सम के लिए थीटा जो है वो 45 डिग्री है, दूसरे वाले के लिए थीटा जो है वो 60 डिग्री है, और तीसरे वाले के लिए थीटा जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, और आपको इससे स्लोप निकालना है। हमने फॉर्मूला एक देखा था, याद है जो पहला फॉर्मूला देखा था जिसमें आपको इंक्लिनेशन दिया होगा और आपको क्या बोलेगा, स्लोप निकालने के लिए। तो स्लोप निकालने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, एम इक्वल टू 10 थीटा होता है। बस आपको लिख देना है 10, थीटा का वैल्यू कितना है 45 है, और 10 45 कितना होता है, 1 होता है। होप सो ये पता होगा ये 10 क्या होता है, ये आपने क्लास 9 में ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है। अगर आपको ये नहीं पता कि इसका वैल्यू कैसे आता है तो एक वीडियो लिंक में मैं दे दूंगा, उसको देख लो पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनता है, फिर ये आपको अच्छे से आ जाएगा वहाँ से। सेकेंड वाले के लिए m इक्वल टू 10 थीटा है, अगेन सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर 10 60 हो जाएगा और आपको 10 60 का वैल्यू क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3। ये आपका दूसरा आंसर है। वैसे ही सेम यहाँ पर m इक्वल टू 10 थीटा का फॉर्मूला है, और थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 10 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पता है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। एग्जाम में सम ऐसे सम जरूर आते हैं, एक मार्क्स के लिए सम होता है, काफ़ी आसान है। होप सो समझा होगा। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम जो है वो देखो क्या है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। आपको स्लोप फाइंड आउट करना है इन लाइंस का, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर। तो बेसिकली पहला है ए जो कि है 2.3, फिर हमें दिया है बी जो कि है 4.7। ठीक है, फेयर इनफ। हाँ, अब इसको फाइंड आउट करने के लिए स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास। जब पॉइंट जो होता है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, y2 - y1 / x2 - x1। सिंपल है। तो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये क्या होता है, y2। तो y2 में से y1 को माइनस करो तो यहाँ क्या होगा, 7 - 3 हो जाएगा। x2 में से x1 को माइनस करो कितना होगा, 4 - 2। 7 - 3 कितना होगा, 4। 4 - 2 कितना होगा, 2। 4/2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए, तो आपको स्लोप का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गया, 2 मिल गया। काफ़ी आसान है। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन इसमें से करेंगे, फिर बाकी आप खुद से कर सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो है p = -3.1 and q = 5.-2। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, कैसे करेंगे इसको। स्लोप का फॉर्मूला क्या बताओ, स्लोप का फॉर्मूला है हमारे पास y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है,
y2 क्या है, माइनस टू है, तो माइनस टू उसमें से क्या माइनस करेंगे, वन। x2 क्या है, फाइव। अब देखो ये माइनस आ गया, याद है पुराने वीडियोस में देखा होगा तुमने, दो बार माइनस आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये होने के बाद ये हो जाएगा माइनस थ्री, और ये फाइव प्लस थ्री कितना होगा, एट। तो माइनस थ्री बाई एट क्या होगा, इसका आंसर होगा। सो होपफुली ये समझ नहीं आ गया एक बार। बाकी चार जो सम है इसी सेम लाइन पर बेस है, उसको खुद से सॉल्व करो, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अब हम बढ़ेंगे आगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे चेक करना है, बराबर। तो फर्स्ट उसको चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री का फर्स्ट वाला है, थर्ड का फर्स्ट। ए दिया जो है आपको माइनस वन कॉमा वन है, ए जो है वो माइनस वन कॉमा वन है, बी जो है वो आपके पास है जीरो कॉमा वन, सी जो आपको दिया है वो है वन कॉमा थ्री, ठीक है। ये तीन पॉइंट आपके पास दिए हुए हैं। अब आप निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी। अगर स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी इक्वल आता है, यानी ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं इंट्रो में दे चुका हूँ आपको। तो आप पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए हम इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ लिख लेंगे, ए के जो पॉइंट है वो लिख लेंगे, माइनस वन कॉमा वन, माइनस कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन, और बी के जो पॉइंट है जीरो कॉमा वन। स्लोप का फार्मूला क्या है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला है। तो इसको अप्लाई करेंगे, ये एक्स वन है, वाई वन है, एक्स टू है, ये वाई टू है। तो वाई टू क्या है, वन, उसमें से क्या माइनस करना है, माइनस वन। दो बार माइनस आ रहा तो क्या हो जाएगा, ऐड। अगर लगातार दो बार माइनस आ जाए सेकेंड वाले नंबर में, फिर ये होगा जीरो माइनस एक्स, ये माइनस वन है, तो दो बार माइनस आ रहा तो क्या होगा, प्लस। वन प्लस वन टू होगा, जीरो प्लस वन कितना होगा, वन, टू अपॉन वन कितना हो जाएगा, टू। तो ये किसका स्लोप आ गया, ए बी का स्लोप आ गया। आप किसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। अगर बी सी का स्लोप निकालेंगे तो फार्मूला सेम है, क्या फार्मूला है, अच्छा उसके लिए पहले बी सी लिखना पड़ेगा हमें। बी क्या है हमारे पास, बी है जीरो कॉमा वन, और सी क्या है हमारे पास, वन कॉमा थ्री। तो स्लोप निकालने के लिए फार्मूला क्या, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। ये एक्स वन वाई वन हो गए, एक्स टू वाई टू हो गए। तो वाई टू क्या है, थ्री, उसमें से वन माइनस कर देंगे, सी क्या है, वन, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, जीरो। थ्री माइनस वन कितना होगा, टू, वन माइनस जीरो कितना होगा, वन, टू अपॉन वन कितना हो जाएगा, टू। तो इस तरह से ये भी टू आ रहा है और ये भी टू आ रहा है। तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हो, कंक्लूजन लिख सकते हो, देयर फोर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। ये कंक्लूजन हो गया। उसके बाद आप लेंगे देयर फोर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। काफी सिंपल सी चीज है, समझ रहे आई होगी तुमको, ठीक है, ओके। अब हम बढ़ेंगे आगे, आगे देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। अब ये होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर टू करेंगे और क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, सेम उसी लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर टू जो है उसके अंदर आपको डी दिया हुआ है, डी है माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, ये डी है आपके पास। उसके बाद आपको ई दिया हुआ है, ई जो है आपके पास वो है वन कॉमा जीरो। फिर आपके पास एफ दिया हुआ है, एफ जो है आपके पास वो है टू कॉमा वन। फेयर इनफ। अब पहले तो स्लोप ऑफ डी ई निकालेंगे, स्लोप ऑफ डी ई निकालना है कि डी ई का स्लोप कैसे निकलेगा। उसके लिए डी के पॉइंट्स लिख देंगे, क्या है माइनस टू कॉमा माइनस थ्री, ई के पॉइंट्स लिख देंगे वो क्या है, वन कॉमा जीरो, ठीक है। फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो y2 क्या है, जीरो,
y1 क्या है माइनस थ्री, फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस होके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, x2 क्या है 1 है ठीक है, फिर ये माइनस है और ये माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा प्लस, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 होगा, 3 अपॉन 3 कितना जाएगा 1। तो इस तरह से स्लोप ऑफ DE कितना मिल गया 1 मिल गया। अब स्लोप ऑफ EF निकालेंगे, स्लोप ऑफ EF निकालो, EF निकालने के लिए क्या करेंगे E के पॉइंट लिखेंगे पहले, E का पॉइंट क्या है 1, 0 है, F का पॉइंट क्या है, F का जो पॉइंट है वो जो है 2, 1 ठीक है। तो ये निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 क्या है 1 माइनस ये 0 हो जाएगा, x2 क्या है 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 0 कितना होगा 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 1 अपॉन 1 कितना आएगा 1। तो इस तरह से दोनों के स्लोप क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो फिर आप कंक्लूड कैसे करेंगे इसको, देयरफॉर स्लोप ऑफ, देयरफॉर मत लिखो सॉरी, स्लोप ऑफ डी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ईएफ ठीक है। अगर ये डी का स्लोप ईएफ के इक्वल है फिर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर डी ई एंड एफ आर कोलीनियर, क्या कहलाएंगे कोलीनियर कहलाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, दो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, अब हम इसके आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास a दिया है -4, 4, k दिया है आपके पास -2, 5/2, n दिया है आपके पास 4, -2 ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। एक एक करके स्लोप निकालेंगे, ak का स्लोप निकालेंगे और किसका स्लोप निकालेंगे kn का। तो स्लोप ऑफ ए के निकालेंगे पहले, तो स्लोप ऑफ ए के जब निकालेंगे आप तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, ए के पॉइंट्स लिखेंगे, ए के पॉइंट्स क्या है -4, 4 है और के पॉइंट क्या है -2, 5/2। फेयर इनफ, फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला आपके पास ठीक है। ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो y2 क्या है 5/2, 5/2 में से 4 को माइनस कर दो, सिंपल है। यहाँ पर माइनस 2 में से क्या माइनस कर देंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको जब माइनस करोगे तो क्या होगा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, जिन्हें मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करने नहीं आता मैं बता दूँ उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास ऐसा है, आप पहले डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5, 4, 2 का कितना होगा 8 अपॉन क्या आएगा 2, 5 में से 8 जाएगा कितना बचेगा -3 और ये क्या आएगा अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा -3/2 और यहाँ पर जो बचा है ऑलरेडी 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो -3/2 तो ये जो बच गया था ये तुमने लिख दिया, ये 3 लिखा और इसके अपॉन में 2, तो ऑलरेडी अपॉन में भी एक 2 है ना, वो 2 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर क्या होगा -3/4 ठीक है, समझा इतना आपको। मैं फिर से बता दूं मैंने क्या किया, मैंने ऊपर सबसे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व किया, ये जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है 5/2 -4 पहले इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर कितना है -3/2 आया, वो कैसे आया 4 2 8 हो गया, 5 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा, -3/2 हो गया ठीक है, और ये 4 -2 इधर आ गया ठीक है। बेसिक से कैलकुलेशन आप कर सकते हो, अलग तरीके से भी करना है तो कर सकते हो। फिर आप निकालेंगे स्लोप ऑफ के एन, स्लोप ऑफ के एन निकालेंगे, अब के एन निकालने के लिए के लिखेंगे हम, के जो है हमारा है -2, 5/2 और वैसे ही हमारा एन है, एन क्या है 4, -2। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है y2 - y1 / x2 - x1,
तो ये x1 y1 ये x2 y2 है, तो y2 क्या है माइनस टू और y1 क्या है y1 है ये है ना माइनस फाइव पॉइंट टू। घबराना नहीं है, फ्रैक्शन देखकर जैसे नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही करो। और यहाँ है फोर है क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा फोर प्लस टू हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस टू माइनस फाइव बाई टू को कैसे सॉल्व करेंगे, टू टू का कितना होगा फोर होगा तो ये माइनस फोर होगा बराबर, और ये माइनस फाइव है अपॉन टू है तो ये कितना होगा माइनस नाइन अपॉन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर क्या आ रहा है, ये माइनस नाइन आ रहा है अपॉन टू आ रहा है और फोर प्लस टू कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर किया था फोर माइनस टू यहाँ मल्टीप्लीकेशन में लिखा था वैसे यहाँ पर लिखा जाएगा फोर प्लस टू कितना हो जाएगा सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ तक आने के बाद फिर क्या करेंगे हम, ठीक है ना, इतना पार्ट आपको समझ रहा है ना, इसको सॉल्व करना है पहले तो ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको वही लिखेंगे और डिनोमिनेटर का जो आंसर है वो मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा थ्री टू ज़ा और ये थ्री थ्री ज़ा तो ये माइनस थ्री होगा और टू टू ज़ा कितना होगा फोर होगा, ठीक है। ये भी माइनस थ्री बाई फोर आ रहा है, ये भी माइनस थ्री बाई फोर आ रहा है। कंक्लूजन आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए के किसके बराबर है, के एन के बराबर है। अगर स्लोप बराबर है ए के और एन क्या है कोलिनियर है। तो इस तरह से ये वाला सेगमेंट भी आपका सेगमेंट का क्या होता है कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, अब इसको लिख लो एक बार, तो इस ये पार्ट होने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। उसके अंदर अगर आप सॉरी आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, क्वेश्चन नंबर फोर में इफ ए बी एन सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड। काफी सिंपल क्वेश्चन है, अगर ए बी सी एक वर्टाइसेस है ट्रायंगल का, यहाँ ए है यहाँ बी है यहाँ सी है, ए आपको दिया है वन कॉमा माइनस वन, बी दिया है जीरो कॉमा फोर, सी दिया है माइनस फाइव कॉमा थ्री, ठीक है। आपको ये तीनों वर्टाइजेज आपको हर साइड का स्लोप निकालना है, तो निकालते हैं स्लोप। तो कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं पहले, हाँ स्लोप ऑफ ए बी। अब मैं इसमें पॉइंट्स नहीं लिख रहा है, यहाँ पर ए क्या है बी क्या है यहीं से देख लेना, आपको चाहिए तो आप लिख लेना। फॉर्मूला क्या है, y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला है। ए बी मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये x1 y1 हो गया ये x2 y2 हो गया, ठीक है। तो y2 में से y1 को माइनस करो फोर, उसमें से फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएगा तो कितना होगा फोर प्लस वन हो जाएगा। नीचे क्या आएगा, जीरो में से क्या माइनस होगा वन माइनस होगा, फोर प्लस वन कितना होगा फाइव, जीरो माइनस वन कितना होगा माइनस वन, फाइव अपॉन माइनस वन कितना होगा माइनस फाइव। तो इसका स्लोप कितना आया माइनस फाइव, स्लोप ऑफ ए बी हो गया। अब किसका स्लोप निकाल लेता हूँ मैं, स्लोप ऑफ बी सी निकाल लेता हूँ। बी सी का स्लोप निकालने के लिए बी और सी पॉइंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा, फॉर्मूला सेम वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, फेयर इनफ। कैसे करेंगे इसको देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले आप ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 में से y1 को माइनस करो तो ये होगा 3 में से 4 माइनस और ये होगा माइनस 5 में से 0 को माइनस करेंगे। 3 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 5 और माइनस 0 में करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 5 में 0 ऐड होगा तो कितना होगा 5, बड़े नंबर के साइन क्या आएगी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आंसर आ रहा है 1 अपॉन 5 आ रहा है। स्लोप ऑफ बी सी हो गया। अब हम निकाल यहाँ पर निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पर हम निकालते हैं स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए सी निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आपके पास फॉर्मूला है। ए सी के लिए कैसे करेंगे, ये पार्ट है आपके पास करने के लिए, थ्री ये x1 y1 हो गया, सॉरी ये x1 y1 हो गया ये x2 y2 हो गया, तो थ्री में से माइनस वन को माइनस करना है तो थ्री दो बार माइनस होगा तो क्या हो जाएगा ऐड ना, ये थ्री है फॉर्मूले का माइनस और वो माइनस क्या हो गया ऐड हो गया, बाकी नीचे ये आएगा माइनस फाइव है उसमें से क्या माइनस करेंगे माइनस वन को, तो थ्री प्लस वन कितना होगा फोर, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस, फाइव प्लस वन सिक्स, बड़े नंबर की साइन क्या आएगी माइनस, तो ये हो जाएगा टू टू सा टू थ्री सा, सो इसका आंसर क्या आ रहा है टू अपॉन माइनस थ्री आंसर। तो इस तरह से
आपने किसका स्लोप निकाला, एबी का निकाला, बीसी का निकाला और एसी का स्लोप निकाल दिया। आपको एसी का स्लोप निकाल कर देना था तो आपने इन सारे के स्लोप निकाल दिए। फेयर इनफ। ओके, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है, शो दैट ए बी सी डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। चार वर्टेक्स दिए और आपको पैरेललोग्राम बताना है। इसको भी हम इंट्रो में डिस्कस कर चुके हैं, पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी के लिए जो स्लोप से कैसे लिंक करता है। हमने ये पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस होंगी तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। सपोज करो मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम को बना देता हूँ आपके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है और यहाँ पर डी है। तो हमारे को ए दिया हुआ है, ए जो है वो है -4, -7 दिया है, बी दिया है -1, -2 दिया है, सी आपको दिया है 8, 5 दिया है, डी आपको दिया है 5, -4 दिया है। ठीक है, ये आपको दिया है। ठीक है, फेयर इनफ। अब उसको करेंगे कैसे, अब आप स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, स्लोप ऑफ क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। बस सिंपल। तो स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है, एम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, y2 - y1 / x2 - x1। अब हम ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे सबको, यही यहीं से डायरेक्टली माइनस कर दो। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 2 में से -7 करना है, तो दो बार माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। वैसे ही -1 में से -4 करना है तो ये -1 होगा, फॉर्मूले का माइनस और वो माइनस मिलाकर क्या हो जाएगा, ऐड। 2 + 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3। 3 1 3 3 3 तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया, 3 आ गया। अब स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं। बी सी का स्लोप निकालने के लिए करेंगे, बी सी का स्लोप निकालने के लिए आप लेंगे y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, फेयर इनफ। अब बी सी का स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो अब ये बी है तो ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 का, तो y2 में से y1 को यानी कि 5 में से 2 को माइनस कर दो, तो 5 में से यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ये x2 होगा, 8 में से दो बार माइनस है और ये फॉर्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 - 2 = 3 होगा। 8 + 1 कितना होगा, 9 होगा। 3 1 = 3 3 = 3, तो ये कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, आप क्या निकालेंगे, सी बी को निकालेंगे। आप स्लोप ऑफ सी डी निकालिए। स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकालेंगे, स्लोप ऑफ सी डी के लिए जो फार्मूला होगा, एम इज इक्वल टू क्या होगा, सेम फार्मूला y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सी डी के लिए ये x1 y1 हो गया, -4 है ना, 1 मिनट, हाँ वहाँ पर, हाँ -4 है। ठीक है, तो सी डी निकालने के लिए x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा, तो y2 क्या है, 5 है, 5 में से -4 को माइनस करना है तो वो प्लस हो जाएगा बराबर, और 8 में से क्या माइनस करोगे, 5 को, 5 + 4 कितना होगा, 9, 8 - 5 कितना होगा, 3, 3 1 = 3 3 = 3, तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये रिलेशन समझ में आ रहा है, सी डी 3 आ रहा है, ए बी भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सी डी भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और ये 1/3 आ रहा है, ये भी कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। इतना पार्ट लिखो, फिर मैं स्लोप ऑफ ए डी निकालता हूँ। ये इतना समझ गए आप, अच्छा ओके। यहाँ तक आने के बाद स्लोप ऑफ ए डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम जैसे हम करते हैं सारी चीज़ों को, स्लोप ऑफ ए डी उसको निकालने के लिए फार्मूला तो हमारे पास सेम है, एम इज इक्वल टू क्या फार्मूला था हमारा, फार्मूला हमारा था y2 - y1 / x2 - x1, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, ये आपके पास ये फार्मूला है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये ए डी है तुम्हारे पास, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो ये y2 क्या है, -7 है, तो आप यहाँ पर -7 को लिखें, y1 क्या है, -4 है, तो फॉर्मूले का माइनस और ये माइनस ऐड हो जाएगा तो ये +4 आ जाएगा। x2 क्या है, -4 है, तो यहाँ पर आप -4 लिखेंगे। ठीक है, x1 क्या है, 5 है, तो फॉर्मूले के साथ वो -5 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस होगा, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, बड़े नंबर की साइन क्या आएगी, माइनस, -4 और -5 कितना होगा, -9, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 = 3 3 =
तो ये कितना आ जाएगा 1/3। इस हिसाब से यहाँ पर भी कितना आ गया 1/3 आ गया। सम कंक्लूड कैसे करेंगे, हम लिखेंगे स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी, ए डी का स्लोप किसके बराबर है, स्लोप ऑफ बी सी के बराबर है। फिर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आप नेक्स्ट लाइन में लिखना, एरो मत डालना, इसका मतलब नेक्स्ट लाइन में, देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू बी सी, पहली चीज। वैसे ही ये ए डी हो गया और ये बी सी हो गया। नेक्स्ट हम स्लोप ऑफ ए बी वो किसके बराबर है, स्लोप ऑफ सी डी के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई है, तो देयरफॉर आप क्या कंक्लूड करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए पैरेलल, ठीक है, पैरेलल हो गया। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पर कंक्लूड होता है, यानी कि आपको ए बी का स्लोप, सी डी का स्लोप, ए डी का स्लोप और बी सी का स्लोप निकालना है। एग्जाम में इतने बड़े सम्स आते हैं, कैलकुलेशन सेम है, रिपीटेटिव कैलकुलेशन है, तो ऐसे सम्स को छोड़ना नहीं। काम तो आपको वही करना है जो आप पहले कर रहे थे, वहाँ पर भी स्लोप निकाल रहे थे, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्लोप ही को निकालना है। फेयर इनफ। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सम्स और बाकी हमारे। अब नेक्स्ट वाले सम में जिसमें आपको के फाइंड आउट करना है, कहीं पर आपको स्लोप दिया होगा और के निकालने पड़ेगा, कहीं पर आपको स्लोप नहीं, दोनों स्लोप इक्वल होंगे। तो नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है सेम है, तो मैं उसमें क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ, 7 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, होप सो यू डोंट माइंड। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो दिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है, फाइंड के इफ आर 1, -1 एंड एस -2, k एंड द स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2। तो आपको आर दिया हुआ है, आर क्या है, आर आपको दिया है 1, -1, एस दिया है आपको -2, k, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन आर एस, आर एस का आपको स्लोप दिया हुआ है, वो कितना है -2, ये आपको दिया हुआ है, तो आपको जैसे दिया हुआ है वैसे ही फाइंड आउट करो। स्लोप आपको दिया है तो फॉर्मूला लिखो, पहले स्लोप का, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 / x2 - x1, बराबर है। स्लोप आपको दिया -2 तो लिख दो, ये आपका x1 y1 होगा, ये आपका x2 y2 होगा। तो y2 क्या है, k है, ठीक है, लिख दिया। y1 क्या है, -1 है, तो दो बार -1 होगा तो क्या हो जाएगा, +1। x2 क्या है, -2 है, x2 क्या है आपके पास, -2 है। x1 क्या है आपके पास, 1 है, ठीक है। तो ये -2 हो गया और ये 1 हो गया, फॉर्मूले का माइनस था तो क्या हो गया, -1 हो गया। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, -2 हो जाएगा, ये क्या रहेगा, k+1, मालूम है ना, ये ऐड नहीं हो सकता, इसको 1 के मत लिख देना। -2 - -1 कितना होगा, -3 होगा, -3 - -2 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, -1 कैंसिल हो जाएगा और 2 3 का क्या होगा, 6। यहाँ क्या बचेगा, k+1 बचेगा, +1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, k का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है, हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसके अंदर ये दिया है, पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पॉइंट्स दिए हैं और आपको उसमें के फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, बस उसी को याद रखो। सो पी क्या है, पी आपको दिया है 2, 4, क्यू आपको दिया है 3, 6, आर आपको दिया है 3, 1, एस आपको दिया है 5, ठीक है, ये आपके पास पॉइंट्स है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो आपको दिया है कि पी क्यू, सिंस पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के पैरेलल है, इसका मतलब है देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ आर एस के बराबर होगा, ठीक है ना। दोनों के स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। पी क्यू का जो स्लोप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इसमें से ये माइनस होगा और इसमें से ये, यानी कि क्या होगा बताओ, 6 - 4 और 3 - 2
आरएस का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, के माइनस वन होगा और फाइव माइनस थ्री। बस अब इसको सॉल्व कर दो, सिंपल है। कैसे सॉल्व करेंगे आगे बताओ, सिक्स माइनस फोर कितना होगा टू, थ्री माइनस टू कितना होगा वन, के माइनस वन ही आएगा वहाँ पर, और फाइव माइनस थ्री कितना हो जाएगा टू, ये टू टू सा कितना हो जाएगा फोर, अपॉन वन है तो लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, के माइनस वन है, माइनस वन यहाँ आकर क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, यहाँ के बचेगा, के का वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगा फाइव मिल जाएगा। इस तरह से आपका एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है। होपफुली आपको ये चैप्टर समझने आया होगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैप्टर को। हमने इसके साथ साथ सिमिलैरिटी चैप्टर को कंप्लीट किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स को कंप्लीट किया है क्लास 10 के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ